देखिए आप लोग यहाँ पे रेनबो दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहे, पर देखिए थोड़ा सा रेनबो दिखाई दे रहा है, इतना तो नहीं पर छोटा सा। और देखिए वाह, लाइट जो जनरेटर से फिक्स करके रखा, क्योंकि ये एरिया में नेटवर्क तो आता है पर लाइट के साथ इलेक्ट्रिसिटी इतना कम नहीं आता है। तो गाइस नज़ारा ऐसे कुछ ऐसा है, देखिए ये लोग को भी बोलते हैं सेवन वाटरफॉल्स, बट अभी फिलहाल बहुत छोटा छोटा है। और जो यहाँ पे आप लोग दिखाई दे रहा वाटरफॉल, इसका नाम है नोकालिकाई वाटरफॉल। यू कैन सी यहाँ पे कुछ ऐसा बनाया है इको पार्क में, और उसके बाद वो नीचे में भी आप लोग देख सकते हैं, उसमें भी है, और उधर भी जा सकते हैं, अभी हम उतर जाएगा ये अंदर पे पूरा दिखा देगा सामने से। और ये है मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। एज यू नो दिस इज मिस्टर बीएमएन। तो गाइस एज यूजुअल ये एक डेली ब्लॉग होगा। एक्चुअली हम लोग मेरा एक दोस्त हम लोग आज सोरा की ओर निकल रहे हैं, तो वैसे तो शिलोंग में 3 साल होने जा रहे हैं पर कभी सोरा नहीं गया, तो आज थोड़ा घूम के देख ही लेगा ये, और आप सभी को भी थोड़ा घुमा लेगा बोल के निकल पड़ा है घर से। फिलहाल तो अभी सुबह का 6:15 है, तो देखते हैं वहाँ पे कितना बजे तक पहुँचते हैं। फिलहाल तो अभी हम लोग निकल चुके हैं, और जितना भी हम जगह देखेगा आप सभी को हम दिखाने के लिए ट्राई करेगा। आप लोग वीडियो पर वजह से बने रहिए। तो वैसे हम लोग निकल रहे था, पर हम लोग का जो बैग है वो गिरने के लिए कर रहे, तो इसको थोड़ा सा कर लेगा, गिरने में तो नहीं गिरना चाहिए, ये रहा है थोड़ा थोड़ा सी दिखाई मिलने से, और एक बार डालना पड़ेगा। तो फिलहाल तो हम लोग के पास रस्सी नहीं है बांधने के लिए, वो थोड़ा आगे तक देख लेते हैं, अगर आगे तक गिर जाते हैं बोलने से हम लोग बांध लेगा रस्सी वहाँ से कहीं से मैनेज करके मरवाई है सबसे। तो अभी सीधा निकलते हैं सोरा की ओर, होप करते हैं सभी वीडियो को एंजॉय करेगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वन से गेम हेलो विवाद, तो गाइस अभी हम लोग थोड़ा सोरा का करीब है, यहाँ से सोरा जो 26 किलोमीटर दिखा रहा है, और जितना सोरा का पास जाते जा रहे उतना ठंडा होते जा रहा है। तो हमको लगता है हमको जो रेनकोट लाना चाहिए था, पर धूप तो अच्छा से निकल दे रहा है, मौसम बहुत साफ है, तो थैंक्स गॉड फॉर वेदर। तो फिलहाल तो अभी हम पहुँचने वाले 26 किलोमीटर शायद मेरा ख्याल से 30 मिनट्स ऐसे कुछ लगेगा, 30 या 50 मिनट्स ऐसे कुछ लगेगा अगर ट्रैफिक ये सब नहीं होता से। और हम लोग सुबह को निकले तो ट्रैफिक तो हम लोग इतना नहीं मिलेगा, तो फिलहाल हम लोग थोड़ा सा रुका हुआ है क्योंकि बहुत ठंडा था, इसलिए थोड़ा धूप तकने के लिए थोड़ा सा रुका हुआ है। और अभी हम लोग थोड़ा आगे भी जाके मतलब ब्रेकफास्ट ये सब भी कर लेगा, क्योंकि हम लोग सुबह से कुछ भी नहीं खाया, तो ब्रेकफास्ट ये सब करने के बाद निकलेगा लेंगे आगे में ब्रेकफास्ट करने जगह में। तब तक वीडियो भी बने रही है, और आराम बाइक चला चला के वीडियो भी नहीं बना रहा, क्यों बोलने से ग्लव पहनना पड़ता है, ग्लव नहीं पहनने से पूरा हाथ जो जम जाते हैं, तो इसलिए हम ग्लव पहन के बाइक चला रहे थे। और ग्लव पहनने से क्या होता है कि सेलफोन में टच नहीं होता है, तो इसलिए आप सभी को डेस्टिनेशन में ही पहुँच के थोड़ा आप लोग को जगह को दिखाने के लिए ट्राई करेगा, और इतना आप लोग को अच्छा से जगह दिखाई देता है आप लोग को दिखाने के लिए ट्राई करेगा। तो अपनी वीडियो पर बड़ा आप लोग बने। तो गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं एक होटल पे, तो यहाँ थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेगा हम लोग, उसके बाद यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है, ब्रेकफास्ट करने के बाद आप सभी को दिखाएगा व्यू पॉइंट का भी। तो गाइस फाइनली हम लोग का ब्रेकफास्ट आ चुका है, ऐसे कहीं जी आलू पराठा, पर हमको अच्छा नहीं लगा क्योंकि पूरा जला दिया, पर भी क्या करेगा खाना तो पड़ेगा, ऑर्डर कर दिया। तो दोस्तों जैसे अभी भी हम लोग अपना ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, तो यहाँ में छोटा सा एक प्यारा सा व्यू है, तो आप लोग को थोड़ा सा दिखाने के लिए आया हुआ है, तो थोड़ा सा दिखा देगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इतना प्यारा व्यू है यार, यहाँ का व्यू। तो अभी हम लोग निकलेगा यहाँ से, तो जितना भी आगे में अच्छा अच्छा व्यू मिलेगा आप सभी को दिखाने के लिए ट्राई करेगा। फिलहाल तो अभी ये प्लेस से निकलेगा। फाइनली अभी हम लोग चेरापूंजी पहुँचने वाला है, यहाँ से शायद 5 किलोमीटर दूर पर है, तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग हम लोग 10 या 15 मिनट में पहुँचेगा। और आप उस जगह को देखिए बहुत खूबसूरत सा जगह है, टिकट लेना पड़ेगा हमारे घर से।
But per member how much? Huh? Per member. Per member you have to pay over there 50 per head. You only for vehicle. Oh, only for vehicle. How much? 20. 20. Okay, thank you, ba. तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं, नहीं पहुंचे हैं मतलब कि अभी जहाँ में टिकट लेते हैं वहाँ पहुंच गया, तो अभी यहाँ से टिकट ले लेगा इसके बाद सीधा यहाँ से पैदल निकलने। यहाँ में जो एडल्ट्स का पर मेंबर 50 रुपीस लेते हैं और बच्चा लोग का जो उसमें 20 रुपीस सिर्फ लेते हैं बच्चा लोग को। तो इस वीकेंड से हम लोग निकल चुके हैं, तो ये जो काइंड ऑफ ट्रेकिंग ही है तो आप लोग को थोड़ा दिखाते रहेगा जगह को, ऐसे कुछ नज़ारा है आगे से। तो दोस्तों अभी एक बढ़िया वाला प्लेस पे आया हुआ है हम लोग, बहुत बढ़िया है। यहाँ से तो आदमी गिर जाने से खत्म है धरी, तो आप लोग को थोड़ा दिखा देगा। देखिए आप लोग यहाँ पे रेनबो दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, पर देखिए थोड़ा सा रेनबो दिखाई दे रहे हैं, इतना तो नहीं पर छोटा सा। और देखिए वाह, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप लोग जो वे टू केव, तो अभी हम लोग को यहाँ से अंदर जाने, तो चलिए आपको हम थोड़ा सा दिखाएगा अंदर जाके। वैसे तो हमको इतना नॉलेज नहीं है मतलब इसका बारे में, तो आप लोग देखिएगा उन्होंने से गूगल में जाके देख सकते हैं। हम जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, मतलब यहाँ में जाके हम जितना देख रहे हैं आप सभी को दिखा रहे हैं, तो होप करते हैं आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। ये तो पूरा एक सुरंग जैसे ही है, पूरा इतना सालों से उसका पता नहीं था, पूरा मिट्टी है मतलब पूरा मिट्टी का दर्शन कर रहे हैं। क्या करना है हमें लाइट फिक्स करके रखा है, इतना नोट रोंग, ये लाइट जो जनरेटर से फिक्स करके रखा है क्योंकि ये एरिया में नेटवर्क नेटवर्क तो आता है पर लाइट के साथ इलेक्ट्रिसिटी इतना क्या नहीं नहीं आता है। तो वैसे फाइनली हम लोग एंडिंग तक पहुँच चुके हैं आफ्टर 10 मिनट्स के बाद, ऐसे अभी लोग यहाँ से जाने जगह नहीं है, अभी हम यहाँ से वापस निकलेगा। सो गाइस फाइनली हम लोग का फर्स्ट डेस्टिनेशन को तो हम लोग एक्सप्लोर कर चुके हैं, तो अभी हम लोग यहाँ से 7 सिस्टर की ओर निकले हो सकते हैं। तो 7 सिस्टर वाटरफॉल तो हम लोग आ रहे हैं, आप रेडी बैठिए, अपना जगह को खूबसूरत से बना के रखिए, हम लोग एक्सप्लोर करने आ रहे हैं। सो एवरीवन वन सेकेंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं 7 सिस्टर वाटरफॉल, बट हम लोग थोड़ा सा अनलक्की है क्योंकि अभी जो रेनी सीजन ही है एक्चुअली, यहाँ जो रेनी सीजन में आना पड़ता है जैसे कि जून हो गया जुलाई ये सब में आना पड़ता है, तो उसमें जो रेनी ये सब होने से वाटरफॉल ये सब जो बहुत बड़ा से निकलते हैं। पर अभी जो सिंस इट्स अक्टूबर, क्योंकि अभी तो ठंडा समय है तो इतना बारिश वरिश नहीं आता है, तो इसलिए मतलब वाटरफॉल्स भी है पर बहुत छोटा सा है, तो आप लोग को थोड़ा सा दिखा देगा। तो हम लोग का बेट लक भी है पर भी कोई नहीं, बाद में और एक बार आ लेगा जून जुलाई समय में, आप लोग थोड़ा सा दिखा देगा 7 वाटरफॉल्स को। सो गाइस ऐसा कुछ है, एस यू कैन सी वाटरफॉल या फिर बहुत छोटा छोटा सा है एक्चुअली। आप जो जून जुलाई में आता है बोलने से बहुत बढ़िया से दिखाई मिलेगा, पर अभी तो फिलहाल बहुत छोटा है। और ये जगह में आप लोग को शायद दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रेनबो का कलर दिखाई दे रहा है, हमको तो बहुत अच्छा से दिखाई दे रहा है पर वीडियो में अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा है, एस यू कैन सी। तो ओवरऑल तो ऐसा कुछ है, वाटरफॉल से निकल चुके हैं। जैसे आपको पता है था कि अभी जो रेनी सीजन ये तो पानी इतना नहीं था, पर उसके बाद एक बार जुलाई से मैंने वापस पानी के लिए ट्राई करेगा, तो उसमें उसका डिस्टर्स नहीं करेगा। जुलाई से अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं, अभी हम लोग इको पार्क बोलते हैं जगह, यहाँ सामने में ये 5 मिनट का ही रास्ता है, तो उसमें जा रहे हैं इको पार्क बोलते हैं, तो सीधा वहाँ पर मिलेगा जो भी बने रहिए। ये है इको पार्क का एंट्रेंस एस यू कैन सी, तो अभी हम लोग यहाँ पे एंट्री करेगा। यहाँ में टिकट भी ले लिया, तो यहाँ में जो एडल्ट्स का जो 20 रुपीज़ लेते हैं एंट्री के लिए और चिल्ड्रंस लोग का छोटा बच्चा लोग का 10 रुपीज़ लेते हैं। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, आप लोग को भी थोड़ा सा दिखेगा। एस यू कैन सी यहाँ पे कुछ ऐसा बनाया है इको पार्क में, और उसके बाद
वो नीचे में भी आप लोग देख सकते हैं, उसमें भी है, वो उधर भी जा सकते हैं। अभी मुक्त जाएगा तो गैस यही था छोटा सा इको पार्क। वैसे तो देखने के लिए कुछ भी नहीं था, जस्ट व्यू ही था। तो हम जितना देखा पाए आपको म्यूजिक का साथ दिखाए तो उसका टाइप से भी अच्छा लगा होगा। सो गैस हम जो इको पार्क से निकल गया था क्योंकि वहाँ में कुछ भी देखने के लिए नहीं था, जस्ट छोटा सा ही पार्क था चिल्ड्रेंस लोग के लिए था। तो अभी हम लोग आया हुआ है नोकालिकाई बोल के एक प्लेस है, तो उसमें आया हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा व्यू आपको दिखा देगा ऐसे कुछ है एस यू कैन सी। और यहाँ पे लोग दिखाई दे रहा है वाटरफॉल, इसका नाम है नोकालिकाई वाटरफॉल। और इसके बाद व्यू को आप लोग देखो आगे तक चिकन सी। सो एवरीवन वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस जैसे कि आप सभी को हम अभी दिखाया था नोकालिकाई बोल के फॉल था, मतलब ना वाटरफॉल था। तो उसको जो अभी हम लोग सामने से देखेगा के, तो उसके लिए जो हम लोग को 15 मिनट्स का ट्रेकिंग करना पड़ेगा। तो ये जो मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है, इसलिए मेरा सू को यहाँ निकल के रखे, हम सोक स्पिन के ट्रेकिंग करेगा। तो होप करते हैं कि रास्ता भी अच्छा होगा, कि ये शू जो बहुत दर्द करा रहा है, देखते हैं हम लोग का रास्ता कैसे होगा। और उसके बाद अभी जो वाटरफॉल आपको हम वीडियो में दिखाया था थोड़ा पहले, तो उसको अभी हम लोग सामने से जाके देखेगा। तो उधर तक पहुँचने के लिए 15 मिनट जैसे कुछ लगेगा बोले, देखते हैं कितना मिनट लगते हैं, रख देगा ना। सो वैसे यू कैन सी यहाँ पे वेलकम गेट छोटा सा प्यारा सा। फाइनली हम लोग इतना नामने के बाद शायद 15 मिनट से कुछ हो गया, तो हमने को नदी पर दिखाई दे दिया। तो ऐसे वो फूल को ब्रश दिखाई देने, तो ऑफ करते हैं ऐसे वो फूल को ब्रश दिखाई देने मिलेगा। तो फिर आपको कैसे दिखेगा, तो ये आपको देखिए रास्ता कितना खतरनाक है, ऐसे कहीं गिर जाने इसको आप जीत नहीं बचेगा। अभी 3 किलोमीटर जा रहे तो है चुके हैं, सी बन चुके हैं। अभी वहाँ पे थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं, तो वहाँ पे ब्रश पहुँच गया, आप लोगों को दिखाएगा। और यहाँ का पत्थर को देखिए आप लोग, अजीब अजीब टाइप का पत्थर है। बहुत थक गया यार, बहुत थक गया। तो गाइस देखिए ये लोग को अपना लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा था बड़ा पत्थर। और ये पाइप नोट रॉन्ग, वो झरना जो ऊपर में है, तो हमको नहीं लगता हमको आगे चल पाएगा। तो हम यहाँ में थोड़ा बैठ के ये नज़ारा को मजा लुट के और थोड़ा सा रेस्ट करके निकल जाएगा। तो अब गाइस देखिए यहाँ में पत्थर किसी टाइप का पत्थर है, अजीब वाला पत्थर है वो देखिए। और उसके बाद देखिए ये अंदर पे थोड़ा दिखा देगा सामने से, और ये है देखिए गाइस ऐसा कुछ है नज़ारा। तो और वो आगे जा सकते हैं झरना को देखने के लिए, वो वाटरफॉल को देखने के लिए, पर हम लोग और नहीं जाएगा क्योंकि अभी जो शाम भी होने वाला है, तो हम लोग जाके आएगा तो बहुत लेट हो जाएगा। ऐसे कैन से जरूर वन वन सेकेंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस आई होप आप सभी को जितना भी हम आज जगह घुमाए हैं, जितना भी जगह दिखाए आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो यही हम लोग का लास्ट डेस्टिनेशन होगा, तो एक्चुअली बहुत थक चुका है, इसलिए तो हम हसी मिल से और एक लास्ट डेस्टिनेशन था, एक प्लेस था, तो उसको जाने के लिए प्लानिंग था, पर बदन ज़्यादा थक गया तो एग्जॉस्ट हो गया, इसलिए दो जगह को तो हम नेक्स्ट ब्लॉग में एक्सप्लोर करेगा। तो आई होप जितना भी आज जगह दिखाए आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो यही था हम लोग का लास्ट डेस्टिनेशन, तो हम लोग को यहाँ तक ही रखेगा, ऊपर तक आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। Bye-bye.